हेलो एवरीवन, मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वाइगर में। आज के सेशन में हम लोग सीटेट पेपर टू साइंस में फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन वन शॉट यानी एक वीडियो में हम लोग पूरा इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा, साथ ही साथ इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 3 से 4 साल का अगर एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से शेयर करें और सेशन के एंड तक लास्ट तक बने रहें। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा गोल क्या है, यानी हम किस किस सीक्वेंस में कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखेंगे, उसके बाद विद्युत सेल, आवेश, धारा देखेंगे, फिर सुचालक कुचालक की बात करेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर की, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ठीक है। फिर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, विद्युत धारक रासायनिक प्रभाव, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक प्लेटिंग वगैरह की भी बात करेंगे। फिर आखिर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिम्बॉल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को किस किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल की। तो इसकी ज़रूरत ये है कि जब हम कॉपी में डिज़ाइन करते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं, तो उसमें हम बैटरी बनाना, बल्ब बनाना या वायर, ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हर चीज़ का एक सिंबल है जिससे हमें इसमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो स्टडी करने में, बनाने में इससे क्या हो जाता है, हमें आसानी हो जाती है, इसलिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, ठीक है। तो देखते हैं किस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। विद्युत सेल एक बड़ी डंटी होती है, एक छोटी डंटी होती है, ठीक है। बड़ी डंटी जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल डिनोट करती है और छोटी डंटी जो होती है वो नेगेटिव टर्मिनल डिनोट करती है, ठीक है। तो ये विद्युत सेल का यहाँ पर प्रतीक हो गया। अब बात करें हम विद्युत बल्ब का यानी इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इसे हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्विच ऑन पोजिशन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्विच ऑन स्थिति में है, ठीक है। और अगर स्विच ऑफ होगा तो इसे हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसके मतलब क्या है कि स्विच ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो सबसे पहले तो समझते हैं बैटरी क्या है। एक विद्युत सेल तो विद्युत सेल कहलाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर उसे हम जोड़ दें तो 2 या 2 से ज़्यादा का संयोजन जो हमारा बैटरी कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा बैटरी हो गया, इसे हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस सिंबल से इसमें ये दर्शा रहा है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल जो है संयोजन हुआ हुआ है, ठीक है। और वायर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं सिंपल। तो ये तो हमारा सिंबल हो गया और उसका प्रतीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विद्युत अवयव और प्रतीक को समझा। अब आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की, विद्युत सेल की। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो आप सभी ने ये चीज़ इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा, टीवी के रिमोट में इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है, वॉल पे जो वॉच होती है, घड़ी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो है केमिकल स्टोर रहता है, उसके अंदर क्या होता है, संग्रहित रसायन होता है, जो क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो
रसायन है, संघनित रसायन, उससे क्या होता है, विद्युत पैदा करता है। अब वो विद्युत क्या करता है, केमिकल पैदा कर रहा है, तो केमिकल एनर्जी क्या करता है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, तो ये वह यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अ डिवाइस इन विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। और ये अपने अंदर संग्रहित रसायनों से विद्युत पैदा करता है, यानी इसके अंदर जो केमिकल होता है उससे ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक सेल की बात हुई। इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो इसमें दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। जहाँ पर लंबी डंटी है इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से डिनोट करते हैं और छोटी डंटी से हम लोग निगेटिव टर्मिनल से डिनोट करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिक सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हो गया है। ठीक है, आप इसी इलेक्ट्रिक सेल, यानी एक इलेक्ट्रिक सेल नहीं, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को जब हम संयोजन कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, तो बैटरी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोई पूछे बैटरी क्या है, तो कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, दो या दो से अधिक सेल का जो संयोजन है उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। अब बैटरी का अगर हम इलेक्ट्रिक सिंबल देखें तो इस प्रकार है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक, दो या दो से ज़्यादा इसमें सेल ऐड है, तो इसे हम लोग बैटरी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो किसी भी पदार्थ, कोई भी मैटर, उसके अंदर का वह गुण जिससे विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का उत्पादन और अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश यानी चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज क्या है, पदार्थ का वह गुण है ड्यू टू जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का उत्पादन और अनुभव करता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का उत्पादन और अनुभव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की अगर बात करें तो ये टू टाइप्स का हो गया, पहला पॉजिटिव चार्ज जिसे हम लोग धनात्मक चार्ज कहते हैं, दूसरा निगेटिव चार्ज जिसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज को एक साथ लाएंगे तो वो रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस जो होता है वो अटैक करता है, यानी अपोजिट चार्ज जो है अटैक करेगा और सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हेन अ ग्लास इज रब्ड विद सिल्क, किसी कांच को जब हम रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि रेशम जो है इलेक्ट्रॉन को जो है गिलास में भेजता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिल्क पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है गिलास को, और जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है जैसे ऋणात्मक, तो गिलास पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, विद्युत प्रवाह जिसे हिंदी में कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी विद्युत प्रवाह के। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी आवेश का प्रवाह, यानी चार्ज का फ्लो को जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो हो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो उसे हम लोग विद्युत प्रवाह कहते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वैसी क्वांटिटी या वैसी राशि जिसके पास दिशा नहीं हो सिर्फ परिमाण हो यानी मैग्नीट्यूड हो, तो उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन करंट की बात करें तो इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें दिशा भी होती है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका दिशा भी है फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि ये विक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडक्टर की, सुचालक।
कंडक्टर क्या होता है, सुचालक क्या होता है, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे, विद्युत को अपने अंदर से गुजार दे, उसे हम लोग कंडक्टर सुचालक कहते हैं। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने अंदर से विद्युत को या करंट को पास कर दे, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, वह पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से गुजारते हैं, उसे हम लोग कंडक्टर या सुचालक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो सारे मेटल एक्सेप्ट लीड, शीशा को छोड़कर सभी धातुएं कैसे होते हैं, कंडक्टर सुचालक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब किसी में करंट आता है वहां पर हम कोई कंडक्टर ले जाते हैं या मेटल या लोहे का कुछ, तो उससे करंट हमें मारता है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, अपने पास से करंट को गुजारता है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल या क्षार या लवण के विलयन, ये भी क्या होता है, कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट जब पानी में जाता है तो आयंस में ब्रेक्स हो जाता है, तो आयंस में जब ये टूट जाता है तो आयंस का जब फॉर्मेशन होगा तो वो वहाँ पे तो करंट भी करंट फ्लो कर जाएगा, इसीलिए ये हमारा कंडक्टर सुचालक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलेटर की यानी कुचालक की, तभी हमने समझा सुचालक क्या होता है, जो वह पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से गुजार दे, उसी का उल्टा कुचालक हो जाएगा। वैसा पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत को या विद्युत प्रवाह को नहीं गुजारते हैं, तो सब इंसुलेटर कह सकते हैं, कुचालक कहते हैं। तो सब्सटेंस डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, वह पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से नहीं गुजारते हैं, उसे हम लोग इंसुलेटर यानी कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया, सुकुचालक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कुचालक और सुचालक की बात हुई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, तो एक ऐसा पथ होता है जिसके थ्रू करंट संचारित होता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, संचारित होता है, करंट फ्लो करता है, इसी पथ को, उसी रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं यानी विद्युत परिपथ कहते हैं। पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा संचरित करने का पथ, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में क्या क्या होना चाहिए, एक तो बैटरी होना चाहिए कम से कम, जो करंट हो, सोर्स हो इलेक्ट्रिक करंट का, दूसरा एक यहाँ पर बल्ब होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, और एक स्विच होना चाहिए। ठीक है, ये मिला के एक सर्किट का फॉर्मेशन करता है, परिपथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप का हो जाता है विद्युत परिपथ, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट में स्विच ओपन रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्विच क्या है, ओपन है। क्लोज सर्किट में स्विच क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो और करंट की हम बात करें तो वह हमेशा जो है बंद रास्ते में बहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ, विद्युत धारा हमेशा बंद रास्ते में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे बल्ब ऑफ है, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोज पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, क्यों कि आप भी अगर किसी रास्ते में पैदल चले जा रहे हैं, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ पर रुक गए, तो करंट भी क्या होता है, यहाँ पर आके रुक जाता है, क्योंकि ये रास्ता तो खुला है। ठीक है, लेकिन वहीं उसके ऊपर ब्रिज बन जाए तो हम सीधा रास्ते चले जा सकते हैं, तो उसके करंट को भी एकदम सीधा रास्ता चाहिए, आगे में कोई रुकावट ना हो, तभी वो फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, विद्युत धारा हमेशा रास्ते में बहती है। ठीक है, विद्युत परिपथ की बात हो गई। ठीक है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, तो एयर एंड डिस्टिल वाटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वायु और आसुद जल विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, आपको सोच के रहनी होगी कि वाटर, पानी, पानी तो कंडक्टर है, उसमें तो करंट आता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टिल वाटर की बात हो रही है, आसुद जल। ठीक है, तो आसुद जल और एयर, हवा, ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट देखें, तो जब हम दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रब्ड करते हैं, यानी जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं, यहाँ पे क्या होगी, रगड़ी जाती हैं, तब क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो है
मैग्नीट्यूड बराबर हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी बराबर हो और निगेटिव चार्ज भी बराबर, यानी अगर पांच पॉजिटिव चार्ज है तो पांच निगेटिव चार्ज भी हो, जिसे हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो ये क्या होता है, इसमें क्या होगा कि अनलाइक चार्जेस, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन चार्ज का क्या हो जाएगा, नेचर अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समान परिमाण के विजातीय आवेश, यानी अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तब क्या होता है, समान परिमाण के विजातीय आवेश हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट की बात हो गई। ठीक है, इस टाइप इस पॉइंट से भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इफेक्ट की, जिसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा की उसमें प्रभाव। ठीक है, तो आपने घर में अपने प्रेस किया होगा कपड़े पर, प्रेस आयरन। ठीक है, तो करते हैं क्या, आप उसके प्लग को आप बोर्ड में खोजते हैं। ठीक है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है उसको चलने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हैं और उससे क्या करते हैं आप, हीट होता है प्रेस, तो उससे आप आयरन करते हैं। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है इसी को भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। होता क्या है, ये ऐसा प्रभाव है जिसमें बॉडी क्या होती है, वस्तु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। कब, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ठीक है, तो वह प्रभाव जिसमें किसी वस्तु से विद्युत धारा बहने पर वह गर्म हो जाती है, तो उसे ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। द इफेक्ट इन विच अ बॉडी बिकम्स हॉट आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल, इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा हो, उसमें कॉयल होती है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो हीट होने लगती है, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वो हीटर कॉयल जो है किस क्या चीज़ से बना होता है, तो वो नाइक्रोम का बना होता है, तो ये हमें याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे घर में प्रेस होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, ये भी हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट है। और फ्यूज वायर, नेक्स्ट उदाहरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ शोइंग दिस इफेक्ट, फ्यूज वायर आपने देखा होगा, ये हमारे घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा होता है, फ्यूज जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, इसके अंदर एक पतली सी वायर होती है, ठीक है, जो कि लीड और टीन का बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है। तो होता क्या है कि इसके जो सहने की जो कैपेसिटी होती है करंट की, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर करंट पास हो जाए, उससे ज़्यादा करंट अगर उसको उससे पास होने लगे, तो ये वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और वहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होता है शॉर्ट सर्किट, इससे क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो फ्यूज वायर क्या है, ये वह तार जिससे यदि एक सीमित मात्रा से अधिक विद्युत को गुजार दिया जाए तो वह पिघल जाता है, इसे हम लोग फ्यूज वायर कहते हैं। वायर विच मेल्ट हो जाती है, कब, जब करंट फ्लो हो जाए उसके जो लिमिट है उससे ज़्यादा, तो वायर क्या हो जाती है, मेल्ट कर जाती है, तो ये फ्यूज वायर है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आगे देखते हैं। तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, फ्यूज वायर का गलनांक कम होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, और ये टीन और लीड का, टीन और शीशे का मिलकर बना होता है। ठीक है, और MCB और LED का बात करें तो हमारे घर में भी होता है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर जिसका फुल फॉर्म होता है, LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसे भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम बात कर लिए हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पिछले इससे पहले हमने क्या देखा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट देखा, अब हम आप क्या देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो होता क्या है कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब विद्युत धारा किसी तार से होकर गुजरती है, तो वह चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। आपने सुना भी होगा कि फलाने को करंट लगा तो वो उस वायर में चिपक गया, तो ये क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है वायर। कब, जब उसके अंदर से हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं, तो इसी इफेक्ट को जो हम लोग
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू अ वायर, जब विद्युत धारा की किसी तार से होकर गुजरती है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसी इफेक्ट को, इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया और इलेक्ट्रिक बेल हो गया। स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के अभिलक्षण की, यानी चुंबक की बात करेंगे, चुंबक के अभिलक्षण की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी भी मैग्नेट को, चुंबक को फ्रीली हम सस्पेंड करके छोड़ देते हैं, किसी तागे में बांध कर मैग्नेट को हम सीधा छोड़ दें, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर जाती है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या हो जाती है, अलाइन कर जाती है। ठीक है, तो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट गिव्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी एक मुक्त निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक फ्रीली एक मुक्त निलंबित चुंबक कौन दिशा को दर्शाती है, तो उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को वो दर्शाती है। ठीक है, अब मैग्नेट की बात करें तो इसमें हमेशा दो पोल होगा, यानी दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, एक चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल जिसे उत्तर ध्रुव कहते हैं, दूसरा होता है साउथ पोल जिसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये आप मैग्नेट डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हमेशा दो पोल होंगे, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। अब पोल के अलोंग जो है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, यानी मैग्नेटिक पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, पोल के पास होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने चार्ज में पढ़ा था कि लाइक चार्जेस अटैक ईच अदर, एक जैसे चार्ज अटैक करते हैं और अनलाइक चार्जेस अलग अलग चार्ज अटैक करते हैं और लाइक चार्ज जो है रिपेल करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लाइक पोल जो होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ, ये क्या अनलाइक पोल हो गए, अलग अलग पोल हो गए, तो ये हमेशा क्या करें, आकर्षण होगा, इसमें अट्रैक्ट होगा। और वहीं अगर लाइक पोल हो यानी एक जैसा पोल हो नॉर्थ नॉर्थ, तो ये हमेशा क्या होगा, रिपेल यानी विकर्षण करेगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है, लाइक पोल एक जैसे पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, विकर्षण करेंगे, और अगर डिफरेंट पोल होंगे, अपोजिट पोल होंगे, तो वो हमेशा अट्रैक्ट यानी आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चुंबकीय का अभिलक्षण होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा डीमैग्नेटाइजेशन, अचुंबकीयकरण। ठीक है, इससे एग्जाम में सीटेट के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीमैग्नेटाइजेशन या अचुंबकीयकरण की हम बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि चुंबक के गुणधर्म को ख़त्म करना, यानी मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देना, इसे हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन यानी अचुंबकीयकरण कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, चुंबकीय के गुणधर्म को ख़त्म करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अचुंबकीयकरण यानी डीमैग्नेटाइजेशन। अब क्या तरीके हैं एक मैग्नेट के प्रॉपर्टी को ख़त्म करने का, तो हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, अचुंबकीयकरण के तरीके क्या क्या है। तो यहाँ पर फोर मेथड्स को आपको याद रखना है, फोर तरीके को। सबसे पहले तरीका क्या होता है कि जब हम चुंबक को लगातार हथौड़े की मदद से हम उसे पीटते रहेंगे, तो इससे क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है चुंबक के जो गुणधर्म है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, या तो पहली बात हो गई। दूसरा, अगर हम तरीके की बात करें तो हम मैग्नेट को हाई टेम्परेचर पर हीट कर दें, यानी आग में रख दें मैग्नेट को, तो उससे भी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाती है। और तीसरा, अगर तरीके की बात करें तो हम अगर मैग्नेट को फ्रिक्वेंटली बार बार गिराए जा रहे हैं, तो इससे भी क्या होती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आखिरी जो है, उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग दो चुंबकों के ध्रुवों को लगातार छुआने से, यानी अलग अलग पोल को, दो चुंबक के पोल को लगातार छुआने से भी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चार तरीके हैं। पहला, बीटिंग अ मैग्नेट कंटिन्यूसली बाय अ हैमर, चुंबक को हथौड़े की सहायता से लगातार पीटना, इससे हम लोग अचुंबकीकरण कर सकते हैं। दूसरा, बाय हीटिंग द मैग्नेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, चुंबक को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके, इससे भी हम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो है ड्रॉपिंग द मैग्नेट फ्रीक्वेंटली, चुंबक को बार बार गिराकर। और आखिरी तरीका है
by touching the like poles of different magnets continuously, अलग अलग दो चुंबकों के समान ध्रुवों को लगातार छुआने से भी जो है चुंबकीकरण हो जाता है, यानी चुंबक के गुंधन को ख़त्म कर देते हैं हम लोग। तो ये चार तरीका है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम चुंबक की बात करें तो इसके दो प्रकार हम देखते हैं। पहला जो होता है नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक। नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक, नाम से पता चला जो हमें प्रकृति में मिलता है, जो नेचर में मिलता है उसे हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और जो हम खुद बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, उसे हम लोग आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक के एग्जाम्पल की बात करें तो लोडस्टोन बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हो गया इसका, और आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा क्या है कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो होता क्या है कि आयरन, आयरन के चारों तरफ, लोहे के चारों तरफ हम क्या करते हैं कॉपर के वायर को रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं और उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो आयरन है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, तो इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। यानी क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, यानी कुछ समय के लिए जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो ये मैग्नेट बिहेवियर शुरू करेगा, जब बंद कर देगा, बंद कर देंगे तो नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया एक टेम्पररी मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये हमारा भारी भार को उठाने में इसका हम यूज़ करते हैं, इन लिफ्टिंग हैवी लोड्स, या आई डॉक्टर नेट चिकित्सक भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हम लोग जनरेटर, मोटर और भी कई सारे डिवाइस में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी मैग्नेट की टाइप की, दो इफेक्ट हमने करंट की देखी, सबसे पहले इफेक्ट हमने हीटिंग वाला देखी इफेक्ट, दूसरा हमने मैग्नेट की इफेक्ट देखी। ठीक है, अब तीसरा जो हम लोग इफेक्ट देखने वाले हैं वो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी विद्युत धारा के इस रासायनिक प्रभाव को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी सॉल्यूशन से उभारते हैं तो वहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, उसी अभिक्रिया को हम लोग जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जब एक विलयन से विद्युत धारा बहती है तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है कोई भी। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर तो जल है, तो जल भी क्या है इलेक्ट्रोलाइट है, तो जल है यहाँ पर, इसके अंदर दो कार्बन की छर डिप करी हुई है और इससे दो तार निकला हुआ जो कि बैटरी से कनेक्ट। ठीक है, एक पूरा सर्किट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें बहा आया तो उसमें कुछ रिएक्शन होने लगा, अभिक्रिया होने लगी और इसी इफेक्ट को हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर डिप किया हुआ दिख रहा है, घोल में डूबा हुआ एक कंडक्टर है ये। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जिसके ऊपर सरे से तार जुड़ी होती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। पूछेगा इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो घोल में डूबा हुआ एक कंडक्टर होता है जिसके सिरे से बैटरी जुड़ी होती है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो बैटरी जुड़ी हुई है उसे हम लोग एनोड कह देते हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कैथोड कह देते हैं जनरली तौर पर। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोड की बात करी। ठीक है, तो जब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट होता है, ठीक है, तो जो अभिक्रिया होती है तो उस टाइम क्या होता है, बबल्स ऑफ गैस फॉर्म्स ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे क्या होता है गैस के बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है। ठीक है, अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, जैसे वाटर, वाटर भी क्या इलेक्ट्रोलाइट है, तो वैसा पदार्थ जो विद्युत प्रभावित प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाता है, यानी वैसा सब्सटेंस जो आयन से ब्रेक हो जाता है, कब, जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे वो पदार्थ अपने आयन से ब्रेक हो जाएगा, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है,
those substance which breaks into ions on passing electricity, वह पदार्थ जो विद्युत प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे आप वाटर को देख सकते हैं, वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है कैथोड पर जाके जमा हो जाता है, ऑक्सीजन कहाँ पे हो, एनोड पर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्होंने बात करी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट की। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जो देखा उसके अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, हम यूजेस की बात करें, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है विद्युत लेपन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि चांदी पे हमने सोना का पानी चढ़ा दिया, फलाने मेटल पे फलाने का पानी चढ़ा दिया, तो ये किस प्रोसेस है, क्या है, तो ये विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये कहलाता है। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की सहायता से एक धातु को दूसरी धातु का परत जमना, ये हमारा विद्युत लेपन या इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर क्रोमियम, टीन, सिल्वर और गोल्ड एंड जिंक जो है, ये कुछ मेटल है जिसे हम लोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत लेपन में क्रोमियम, टीन, चांदी, सोना, जस्ते के प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत लेपन हो गया। एक इम्पॉर्टेंट विद्युत लेपन का एग्जाम्पल है गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन, विद्युत लेपन, गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि आयरन लेते हैं, लोहे, ये फिर लोहे, लोहे के चारों ओर हम जिंक के का कोटिंग कर देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, लोहे पर जस्ते का परत जमना, इससे ही हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये गैल्वेनाइजेशन करके हम आयरन को जंग लगने से, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन से हम इसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत लेपन का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंटेंट जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। आइए अब हम इसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अभिकथन होते हैं और तर्क होते हैं, ठीक है। तो अभिकथन हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले जब हम कंटेंट देख रहे थे, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तर्क देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये रीज़न यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे तो सदिश आदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके बावजूद इसके पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं, परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। सिर्फ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इस वजह से ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अभी कथन सही हो जाएगा, तर्क गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज फॉल्स, यहाँ पर टू दिया तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बोथ एन आर टू, ये भी नहीं होगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। विच ऑफ द मटेरियल कुड बी यूज एज फ्यूज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक फ्यूज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फ्यूज का क्या होता है, फ्यूज में जो फ्यूज वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है गलनांक क्या होता है, कम होना चाहिए, ठीक है। और कंडक्टिविटी भी उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीन मटेरियल दिया हुआ, ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं किसका सबसे कम है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सी का क्या है, सबसे कम है। कंडक्टिविटी, चालकता किसका कम है, तो सी का सबसे कम है, इसीलिए हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यानी सी सामग्री यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। इसीलिए याद रखना है फ्यूज वायर का क्या होता है,
मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और कंडक्टिविटी भी जो है हमारा लो होना चाहिए, तो इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारक के रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था विद्युत धारक रासायनिक प्रभाव क्या होता है, कि जब हम किसी सॉल्यूशन विलयन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत प्रभाव को जब पास कराते हैं तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है, इसी इफेक्ट को हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोगों ने एप्लीकेशन भी देखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वनाइजेशन, ये तीनों किसका एप्लीकेशन था, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। इसमें क्या पूछ रहा है कि नहीं है, कौन नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का इफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का हमारा 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना है। व्हाई इज लाइटिंग कंडक्टर इंस्टॉल ऑन अ बिल्डिंग, किसी इमारत में तारिक चालक क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जब घर बनता है या बिल्डिंग बनता है तो ऊपर हम लोग शरिया को छोड़ देते हैं ऐसे खुला। होता क्या है कि जब बिजली गिरती है, लाइटिंग होती है, तो वो शरिया क्या करता है, उस लाइटिंग को जो है अपने अंदर से डायरेक्ट ज़मीन के अंदर उसे पहुंचा देता है, तो ये फंक्शन होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, किसी इमारत में तारिक तार चालक क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तारिक बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। इट रिपेयर्स द लाइटिंग बिफोर इट्स फॉल्स ऑन बिल्डिंग, नहीं ये तो नहीं होगा। ये बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहाँ कोई इमारत ना हो। इट फोर्स द लाइटिंग ऑन फॉल इन एन एरिया वेयर देयर आर नो बिल्डिंग्स, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ग्राउंड व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक द बिल्डिंग, हाँ बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश की भूमि में संग्रहित कर देता है, यही इसका फंक्शन है। तो 3rd ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4th भी देख लेते हैं, ये बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है। इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिक पावर प्रेजेंट इन द लाइटिंग, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन, व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे कुड एक्वायर ऑप्शन, जब दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तब वह अर्जित कर सकती हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट नोट में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब सेम चार्ज का न्यूट्रल पार्टी, मतलब क्या हो गया उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या क्या है, इक्वल है, तो उसे हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब हम इसे रगड़ते हैं तो होता क्या है कि चार्ज यहाँ पर अनलाइक हो जाएगा लेकिन सेम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण के विद्युतीय आवेश, तो यहाँ पे 1st ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है। ठीक है, लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ये तो होगा नहीं, अनलाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ये भी नहीं होगा, लाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनलाइक चार्ज हो जाता है और मैग्नीट्यूड उसका सेम ही रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीस, ठीक है, एक चुंबक को 2 टुकड़ों में टूट गया। इफ दिस 2 पीस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर दे विल, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों में क्या होगा ये हमें बताना। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, चुंबक है। ठीक है, इसे हमने बीच से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, चुंबक में डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ। ठीक है, जब इसे हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्या होगा हमारा, दो चुंबक हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ भी हो सकता है या साउथ नॉर्थ भी हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्शन का तो बताया नहीं गया है कि कौन डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर सेम अपोजिट पोल में होगा तो यह अट्रैक्ट करेगा, और अगर सेम पोल में होगा तो ये रिपेल करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ये
दिशा के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि ब्रोकन हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर मे अट्रैक्ट और रिपेल, यानी आकर्षित करेंगे या प्रभाषित करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट द आयरन डस्ट स्टिक, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहा का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे अगर लोहे का बुरादा है और यहाँ पे कोई बार मैग्नेट, ठीक है, तो बार मैग्नेट को जब हम लोहे के बुरादे के पास लाते हैं तो मैग्नेट के किस भाग में जो है ये बुरादा सबसे ज़्यादा चिपकता है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट के पोल के पास जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए पोल के पास ये ज़्यादा चिपकेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मोस्टली एट द मिडिल, अधिकांश मध में, तो ये तो होगा नहीं। ओनली एट द मिडिल, केवल मध में, ये भी नहीं होगा। इक्वली एवरीवेयर, सभी जगह समान रूप से, ये भी नहीं होगा। मोस्टली नियर टू एंड्स, अधिकांश दोनों किनारों पर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन, दोनों पोल के एंड पर जो है ज़्यादा, तो मोस्टली जो है वहीं पर अट्रैक्ट होता है, चिपकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर वैसे ही असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन अभिकथन क्या कह रहा है, ए मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म इफ ब्रोकन इन टू हाफ्स। ठीक है, दो भागों में तोड़े जाने पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, तो आप बताइए, ये तो ऑप्शन सरासर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक मैग्नेट को जब टू इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे तो वह तो फिर मैग्नेट हो जाएगा, फिर उसमें भी पोल जनरेट हो जाएगा। हाँ, डीमैग्नेटिज्म कब होगा, जब उसको हम बराबर हथौड़े से उसको लगातार पीटते रहेंगे, तब जाके उसका चुंबकीकरण खो देता है। ठीक है, अब इसका तो यहाँ पर अभिकथन क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। कारण, चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होते हैं। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि मैग्नेट की पोल पर जो है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रीजन तो सही हो गया, लेकिन असर्शन क्या है, अभी कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी नहीं होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग एक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को पहचानने के लिए क्या हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चुंबक को एक लोहे के टुकड़े के पास लाना। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखें कि जब हमें नॉर्थ या साउथ पोल का ध्रुव पहचानना है तो हम क्या करेंगे, चुंबक के मध्य से सुंदर लटकाना, उसको फेयरली सस्पेंड कर देंगे, वो खुद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन कर जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, डिपिंग द मैग्नेट इन हीप ऑफ आयरन फिलिंग चुंबक के लोहे के बुरादे के ढेर में डालना, ये भी नहीं होगा। ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू अनदर मैग्नेट, चुंबक के किसी दूसरे चुंबक के पास लाना, ये भी नहीं होगा। फ्रीली सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडिल, हाँ, चुंबक को मध्य में से स्वतंत्र लटकाना, इससे हमको उसके दिशा का एग्जैक्ट पता चल जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो असर्शन क्या कह रहा है, अभी कथन, ए स्विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सोर्स की बात करें, सोर्स तो बैटरी होती है, सोर्स क्या होती है, सोर्स तो बैटरी होती है, बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स तो बैटरी होगी, यहाँ पे बता रहा स्विच है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, रीजन, व्हेन द स्विच इज ओपन ऑफ देन एयर गैप बिटवीन द टर्मिनल्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब स्विच खुला ऑफ होता है तो टर्मिनल के बीच की वायु विच्छेद विद्युत को प्रवाह को रोकता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ है, ठीक है, तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं,
सॉरी ओपन होता है, ऑफ है, ओपन है, तो ऐसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एयर का पार्टिकल आके ट्रैप कर जाता है। और हमने पढ़ा था कि एयर क्या है, वायु क्या है, बैड कंडक्टर है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रीज़न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेशन अभिकथन से गलत है और रीज़न हमारा कारण सही है। ठीक है, तो बोथ एयर आर ट्रू, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बोथ एयर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये भी नहीं होगा, ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, हाँ ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट अ मेथड टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, सम रिस्पॉन्सेज आर, किसी शिक्षक ने विद्यार्थी से एक चुंबक को विद्युत चुंबकित करने की विधि को सुझाव देने के लिए कहा, कुछ उत्तर है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, अचुंबकीकरण का तरीका। तो अचुंबकीकरण होता क्या है, जब हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, चुंबक के गुण को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसे हम लोग अचुंबकीकरण यानी डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। उस पर हम लोग फोर तरीका देखा था, फोर मेथड देखा था। क्या क्या देखा था, सबसे पहला था कि उसको किसी चुंबक को हम हथौड़े से लगातार उस पर पीट रहे हैं, इससे भी उसका अचुंबकीकरण हो जाता है। दूसरा देखा था कि जब उसे हम हीट करें हद से ज़्यादा तो उसका भी ख़त्म हो जाता है। तीसरा लगातार उसको गिराते रहे उससे भी चुंबकीकरण हो जाएगा। और चौथा देखा था कि चुंबक को हम पोल को पास लाके उसको रगड़ते रहे, इससे भी क्या होता है हमारा, छुआते रहे, तो उससे भी हमारा डिमैग्नेटाइजेशन हो जाता है। तो ये फोर तरीके थे स्टेप्स जो हमने पढ़े थे। तो ये ऑप्शन में देखते हैं, ड्रॉपिंग अ मैग्नेट ऑन फ्लोर सेवरल टाइम्स, चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ, हाँ ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, ब्रेकिंग द मैग्नेट इंटू टू हाफ, चुंबक के दो टुकड़े कर दो, ये तो एकदम रॉन्ग है। ठीक है, हीटिंग द मैग्नेट, हाँ चुंबक को गर्म करने से भी अचुंबकीकरण हो जाता है, ये तो सही है। ठीक है, थर्ड थ्रोइंग द मैग्नेट इन वाटर, चुंबक को जल में फेंको, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। बाय हैमरिंग इट, चुंबक को हथौड़े से पीटना, हाँ इससे भी अचुंबकीकरण होता है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया और ई ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ए सी ई इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला डीमैग्नेटाइजेशन, अच्छे समय से पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस डज नॉट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन इट्स वर्किंग, निम्न में से कौन सी युक्ति अपने कार्यों में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के सिद्धांत का प्रयोग नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चुंबकीय प्रवाह होता क्या है, मैंने बताया था कि किसी वायर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत प्रवाह को जब हम पास कराते हैं विद्युत धारा को, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा था, जिसमें हम लोग ने दो चीज़ें पढ़ी थी, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे हमने इलेक्ट्रिक बिल, जनरेटर, मोटर इसमें पढ़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, मोटर हाँ इसमें तो होता है, जनरेटर इसमें भी होती है, इलेक्ट्रिक बिल इसमें भी होती है। इसमें पूछा है किसमें नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें बताता है, विद्युत प्रवाह का उसमें प्रभाव बताता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर से अभी कथा रीजन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। होता है क्या, जनरली बच्चों को एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन एसर्शन रीजन के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपका नोट्स या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, तो अभी कथा एसर्शन को पढ़ते हैं। When an electric current pass through a wire, it behaves like a magnet. जब विद्युत की धार किसी तार से गुजरती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा, ये हमारा कथन क्या हो गया, अभी कथन सही हो गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें दिखाता है। ठीक है, अब रीजन इसका देखते हैं। कारण, वायर आर यूजली मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, तार अधिकतर चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर तार चुंबकीय मटेरियल से बने। ठीक है, तो रीजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो होगा नहीं,
ये भी नहीं होगा, ए इज करेक्ट, ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अभी कथन सही है पर इसका कारण जो है यहाँ पे रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू आर रब अगेंस्ट ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है। पी तथा क्यू दो अनावेशित वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ये तो रिपीट हो गया, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व किए ही थे। इसमें क्या होता है कि चार्ज अनलाइक हो जाता है और मैग्नीट्यूड इसका सेम ही रहता है, ठीक है। तो पी एंड क्यू एक्वायर इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, ये तो होगा नहीं। पी एंड क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, हाँ ये तो हो सकता है। पी एंड क्यू एक्वायर अनइक्वल एंड सिमिलर चार्ज, ये तो होगा नहीं। पी एंड क्यू एक्वायर अनइक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये भी नहीं होगा, ठीक है। पी एंड क्यू पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया, पी तथा क्यू बराबर एम विचारित आवेश आता है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुइटेड टू मेक अ फ्यूज वायर, निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्यूज का तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो फ्यूज वायर की जो हमने बात करनी थी, तो हमने मैंने आपको बताया था उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, ठीक है, और रेसिस्टेंस जो है वो हाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेसिस्टिविटी की बात करी है, तो रेसिस्टिविटी यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेसिस्टेंस लो होना चाहिए, रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हाई लिखा है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे भी हाई लिखा हुआ ये तो होगा नहीं, बचा ये लो लो, तो ये दोनों में कोई एक होगा। यहाँ पर रेसिस्टिविटी क्या होगी, हाई है तो ये होगा और लो है तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जेड यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो बेस्ट फ्यूज वायर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होगा और रेसिस्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोधकता हाई होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्यूज वायर से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इट्स फिलामेंट गेट्स हीटेड अप बट द वायर कैरिंग करंट डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर दिस। यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब से विद्युत धारा गुजरती है, जब उसका तंतु तो गर्म हो जाता है लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाले तार नहीं चमकते, निम्न में से कौन सा इसका कारण हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम ऐसे भी जब हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, बल्ब तो ग्लो करती है लेकिन तार जो वायर उसका हीट नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, इसका कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। जब रेसिस्टेंस जब हाई होगी तो उसमें जो पार्टिकल बीच में कोलिजन होने लगता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। वायर की बात करें तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, फिलामेंट के कंपेयर में कम होता है, इसीलिए उसमें ग्लो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, द वायर हैज हायर रेसिस्टेंस देन द फिलामेंट, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि फिलामेंट का रेसिस्टेंस ज्यादा हाई होता है। द वायर हैज लेस रेसिस्टेंस देन द फिलामेंट, इसलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन, तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द फिलामेंट हैज फ्लोरोसेंट मटेरियल बट द वायर डज नॉट, ये ऑप्शन भी गलत है। द वायर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन फिलामेंट, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। व्हेन अ पॉलीथीन ट्यूब इज रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ द पॉलीथीन ट्यूब, जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता तो पॉलीथीन की नली, ठीक है। तो मैंने आपको बताई थी कि पॉलीथीन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन वूलन क्लॉथ को दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आती है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉलीथीन की नली, पॉलीथीन की नली क्या होगा, बिकम्स पॉजिटिव होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। एंड द क्लॉथ बोथ अकॉर्ड निगेटिव चार्ज, ये भी नहीं होगा। बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और द क्लॉथ हैज निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है
धनावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देख लें तथा एंटी क्लॉथ बोथ अगर पॉजिटिव चाहे तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टू बी टेकन व्हाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट। छह चुंबकों को भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब यानी बार मैग्नेट जब हम स्टोर करते हैं तो कौन कौन सी सावधानी लेनी चाहिए। तो सावधानी यही लेनी चाहिए कि दोनों बार मैग्नेट के बीच में हमें लकड़ी का टुकड़ी रख देनी चाहिए जिससे दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो तो उसको अच्छे से हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। छड़ चुंबकों के युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उसकी सजातीय ध्रुव एक ही ओर हो। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर इन पेयर सच दैट लैक्स पोल्स ऑन द सेम साइड। अब सेम साइड अगर लैक्स पोल्स होगा तो उसमें तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, इससे भी हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाई ए वुडन पीस। छड़ चुंबकों के एक युग्म की लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाई सॉफ्ट एंड पीसेस। तो इससे तो और होगा तो ये भी नहीं होगा। दे शुड बी स्टोर्ड इन वुडन बॉक्स। तो ये भी एक ही बॉक्स में रखेंगे तो फिर दोनों में होगा तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो इस करेक्ट क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही जवाब। ठीक है, अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। ए टेस्टर वॉज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड एंड इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ टेस्टर डिड नॉट ग्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या है। एक टेस्टर हमारे घर में भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम चेक करते हैं कि इसमें करंट है कि नहीं किसी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक द्रव में विद्युत धारा के प्रभाव को जांचने के लिए संप्रेक्षित टेस्टर का प्रयोग किया गया और पाया गया कि संप्रेक्षित बल्ब नहीं जला। इसमें कौन सा कथन क्या सही है, क्या व्याख्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो दो ही सिचुएशन में ये ग्लो नहीं करता। एक तो उसमें जब करंट ना मौजूद हो या बहुत लो से वेरी लो अमाउंट में भी करंट अगर होता है तो उसमें भी वो ग्लो नहीं करता है। द सर्किट ऑफ टेस्टर रिमेन इनकम्प्लीट। हाँ, ये बात सही है, जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो उसमें तो ग्लो होगा नहीं, तो यह सही है। द करंट थ्रू द टेस्टर वॉज टू वीक। तो हाँ, टू वीक भी होगा तो उसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड बी यानी सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। संजना हैज थ्री मैग्नेट्स ए बी एंड सी हुज पोल्स आर मार्क्ड एज A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 रिस्पेक्टिवली। शी नोटेड डाउन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर। ठीक है, संजना के पास तीन चुंबक है A, B एंड C जिनके ध्रुव क्रमशः A2, B1, B2 एंड C1, C2 अंकित किए गए हैं। तो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उसे न्यू प्रक्षेप किए गए हैं। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं, A1 रिपेल्स B1। ठीक है, A1 B1 से रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो A1 और B1 क्या रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करे तो जाहिर सी बात है सेम पुल होगा, इसका पुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम पुल होगा तभी रिपेल करेगा। और A1 रिपेल C2 यानी A1 जो है वो C2 को रिपेल करेगा तो उसमें भी सेम पुल हो जाएगा तब ना रिपेल करेगा। तो A1 C2 का भी क्या हो जाएगा, सेम पुल हो जाएगा। ठीक है, इफ C1 इज नॉर्थ पोल। ठीक है, C1 हमारा क्या है, C1 हमारा नॉर्थ पोल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, तो C2 हमारा क्या हो गया, C1 अगर नॉर्थ है तो C2 हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, C2 हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा C2 हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, और A1 B1 तो साउथ पोल है तो A2 B2 क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। A2 B2 क्या हो जाएगा, हमारा A2 B2 और C1 ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, B2 इज नॉर्थ पोल एंड A1 इज साउथ पोल। हाँ, B2 क्या हमारा क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, C A1 क्या है, साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन है बी वन इज नॉर्थ पोल एंड ए टू इज साउथ पोल, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, गलत हो गया। बोथ बी वन ए वन आर नॉर्थ पोल, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बोथ बी वन ए वन आर साउथ पोल, बी वन भी हमारा साउथ पोल है, ए वन भी साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका आंसर ए और डी बोथ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट किसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराए, ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो जो कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स को अच्छे से पढ़ें और 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन करें जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।